दोस्तों, श्रीलंका की सरकार और वहां पर मौजूद लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर रावला के घने जंगल में रावण का शव ममी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रावला के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां कभी रावण ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की ममी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे वो ताबूत हजारों सालों से जैसे का तैसा है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट है, चौड़ाई 15 फीट है, और दावा ये भी किया जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है। तो फ्रेंड्स, रावण, रावण ये शब्द सुनने से ही हमारे मन में रामायण के एक ऐसे काल्पनिक तत्व से उपेजित एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा व्यक्तित्व का नाम आता है जिसके कारण रामायण लिखी गई, और जो रामायण का विलेन, हम लोग आपसी प्रचलन में विलेन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रामायण जो विश्वेश्वरा मुनि का पुत्र था और कैकसी उसकी माँ थी। विश्वेश्वरा जो एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था और कैकसी जो एक राक्षस कुल की औरत थी। तो फ्रेंड्स, रावण का नाम सुनते ही उसके सोने की लंका के विषय में बात आती है। तो आइए जानते हैं सोने की लंका वास्तविक में वो सोने की लंका बनी कैसे और क्यों सोने का ही लंका बना। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक कहानी है। जब शिव पुराण के अनुसार जब शंकर भगवान और पार्वती जी शादी करके आ गए और पार्वती जी पर्वत के ऊपर रहने लगी, तो एक बार पार्वती जी को बहुत ठंड लगने लगी, तो उन्होंने कहा हमें एक सोने का महल बना दीजिए जिसमें हम रहेंगे और उसमें हमें ठंड भी नहीं लगेगी। तो पार्वती जी के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने एक सोने का लंका बना दिया, और सोने का लंका बनाने के पश्चात उन्होंने उसके उद्घाटन करने के लिए या उसके पूजन के लिए या गृह प्रवेश करने के लिए उस समय के सबसे विद्वान पंडित जो रावण का पिता था विश्वेश्वरा मुनि को बुलाया, और विश्वेश्वरा मुनि की पत्नी कैकसी राक्षस कुल की थी और थोड़ा लालची थी। तो जब विश्वेश्वरा मुनि ने कहा अपने पत्नी से कि मुझे शंकर भगवान ने आमंत्रित किया है सोने के महल का उद्घाटन करने के लिए, तो कैकसी ने कहा कि आप जब उस महल का पूजा कर लीजिएगा, जब दक्षिणा देने की बारी आएगी तो शंकर भगवान से दक्षिणा में उस सोने के महल को मांग लीजिएगा। विश्वेश्वरा मुनि अत्योचित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, बट कैकसी ने कहा कि आपको मानना ही पड़ेगा, सोने की महल शंकर भगवान से आपको मांगना ही पड़ेगा। तो उस समय शंकर भगवान ने पूजा पाठ कराया विश्वेश्वरा मुनि से, और जब विश्वेश्वरा मुनि के बारे में जब कहा गया कि आप अपना पूजा का दक्षिणा मांगिए, पूजा कराया आपने बहुत ही विधि विधान से उसका दक्षिणा मांगिए, तो उन्होंने ना चाहते हुए भी उस महल सोने के महल को मांग लिया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने विश्वेश्वरा मुनि को श्राप दिया कि इसका भोग तुम्हारे बेटे के सिवा कोई नहीं कर पाएगा, ये एक दिन जलकर राख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अपने सोने की लंका की। फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट एक्सप्लोजर में। हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं रावण और उससे जुड़ी कुछ तत्वों को, जो शायद आपने नहीं सुना होगा आज से पहले, और ये सारी तथ्य वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से ली गई है। तो ये तथ्य जितनी भी है इस पर मेरी सत्यता भी कायम नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अपना वीडियो में, और वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ अनसुलझी तथ्य जो आज के जमाने में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, खासकर के हमारे यंग जनरेशन के लिए। दरअसल लंकाधिपति रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को सौंपी गई थी।
लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। नागकुल के लोगों का मानना था कि जिस तरह लक्ष्मण संजीवनी पाकर फिर से जी उठे, उसी तरह रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में सुरक्षित कर दिया गया। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि हम सभी लोग रावण को दुष्ट मानते हैं, इसलिए आपको अपने आसपास राम तो कई मिल जाएंगे लेकिन रावण एक भी नहीं मिलेगा। रावण जैसा भी था, लेकिन दोस्तों इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो परम ज्ञानी भी था। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना गया है। रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो राम कहानियों में सुनने को नहीं मिली। आज के इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में अलग अलग ग्रंथों से ली गई ऐसी ही अनसुनी रोचक बातें हम आपको बताएंगे। राम जी जब सीता माता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तो समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की रामेश्वरम में। रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया, क्योंकि राम सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे, इसलिए उन्हें यज्ञ के लिए एक अत्यंत ही विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम को जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है, फिर उन्होंने रावण को यज्ञ का न्योता भेजा। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था, इसलिए वो शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। इसके बाद रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा भी करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा, और जवाब में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा था, यानी कि जीत का आशीर्वाद दिया था। अब रावण के विमान और उसके एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य स्थापित किया था। धनपति कुबेर के पास खुद का एक पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण के अनुसार रावण माता सीता का हरण करने के बाद इसी पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले गया। युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान को बनाने का तरीका और इसका प्रारूप ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने निजात किया था, जिसके बाद पुष्पक विमान का डिजाइन और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने पूरा किया। कहते हैं कि इसी अद्भुत रचना की वजह से भगवान विश्वकर्मा शिल्पी कहे गए थे। पुष्पक विमान अपने आप में एक अद्भुत विमान था, जो मन की इच्छा के अनुसार अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकता था। ये विमान सवारियों की संख्या के हिसाब से बड़ा या छोटा भी हो सकता था। रावण के एयरपोर्ट से जुड़ी बातें भी जान लीजिए दोस्तों। श्रीलंका की श्री रामायण कमेटी के रिसर्च के हिसाब से रावण के चार हवाई अड्डे थे, दुर्लोपोथा, तोतुपोल कंधा, वरियापोला और उसानगोडा। इन चारों में से उसानगोडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के मुताबिक जब सीता माता की तलाश में महाबली हनुमान लंका पहुंचे थे, तब लंका दहन के दौरान उन्होंने उसानगोडा हवाई अड्डे को भी स्वाहा कर दिया था। रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माता केकशी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने की वजह से रावण ने स्वयं कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। कहा जाता है कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। आज कई तथा कथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिष की दुकान भी चलाते हुए नजर आते हैं। अब रावण से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रावण भोले शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि रावण शिव की भक्ति में इतना लीन था कि उसने शिव शंकर को कैलाश से लंका लेकर जाने की ठान ली थी। उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं में उठा लिया था। तब शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को जरा सा दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत जहाँ था वो वहीं पर ही रह गया। इस दौरान रावण का एक हाथ भी पर्वत के नीचे दब गया और वो दर्द से छटपटाने लगा और शिव शंकर से क्षमा मांगने लगा।
और स्तुति करने लगा। रावण की यही क्षमा याचना और स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्रोत कहलाए। यानी रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, शिव तांडव स्रोत के साथ ही उसने बहुत सारे श्लोक और कविताओं की रचना भी की थी। दोस्तों, माँ सरस्वती के हाथ में जो रुद्र वीणा नजर आती है उसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण ने इस वीणा को अपने सिर, हाथ और नसों से बनाया था। रावण शिव जी से युद्ध में हारा था, इसलिए उसने भोले शंकर को अपना गुरु माना था। रुद्र वीणा बजाने का तरंगा था और भगवान शिव के कहने पर चारों वेदों को संगीत बद्ध किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलाता था। अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय रावण ने नक्षत्रों की दिशा को अपने हिसाब से लेबद्ध किया था ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो सके। लेकिन आखिरी वक्त पर शनि देव ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि देव को भी अपना बंदी बना लिया था। अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने तो मृत्यु को भी कैद कर रखा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण का साम्राज्य कहाँ तक था? रावण का साम्राज्य सुमबांध्रलय, शंख द्वीप, कुश द्वीप, वराह द्वीप, अंग द्वीप, मलय द्वीप, बाली द्वीप तक फैला हुआ था। इसमें मलय द्वीप का मतलब एशिया और बलय द्वीप का मतलब इंडोनेशिया से है। यानी आज के वक्त के हिसाब से देखें तो रावण का साम्राज्य इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका तक फैला हुआ था। रावण को वरदान था कि कोई भी देवता, राक्षस, किन्नरी या गंधर्व उसका वध नहीं कर सकता। यही वजह है कि रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को इंसान के रूप में आना पड़ा और विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र ने रावण का विनाश किया। उम्मीद है कि रावण के बारे में शास्त्रों में धूमिल हो चुकी जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, रावण चाहे कितना भी बड़ा विद्वान था या शक्तिशाली था, लेकिन उसने सीता माता का हरण करके अधर्म का जो रास्ता चुना उसकी वजह से उसका अंत हो गया। और इतिहास गवाह है कि ऐसे ना जाने कितने बलशाली हुए जिन्होंने गलत रास्ता चुना, तो ऐसे में दुनिया उनको भूल गई। तो फ्रेंड्स, ये सारे कुछ तथ्य थे जो हम आपके सामने रावण के विषय में रख पाए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके पहले आपने ये चीज रावण के बारे में जाना था या अनजान थे, प्लीज जरूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल घंटी वो भी बजा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह के पॉलिटिकल, मोटिवेशनल, इकोनॉमिकल एंड फिनेंशियल सभी तरह के फैक्ट्स आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।